हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो ट्यूटोरियल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर हमारा क्या कौन सा था, हाइड्रोजन। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ब्लॉक, जिसका पार्ट वन, दो पार्ट का रहेगा ये। दो पार्ट में आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन इज लोवेस्ट व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बेसिकली क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि जब इनके आयन्स की बात करें, लाइक लिथियम हुआ, सोडियम प्लस हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, अगर हम इनके इनकी बात करते हैं इनके आयन्स की, तो जिस आयन की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, जिसके आयन की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, वो न्यूक्लियस, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ही जल्दी क्या कर पाएगा, अपना अट्रैक्शन लगा पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसका है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है H2O के लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हो इसे, तो आयन्स क्या करते हैं, H2O के जो लोन पेयर से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करके करते हैं क्या है, एक लेयर फॉर्म करते जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितनी छोटी साइज उसकी होगी आयन की, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, H2O की लेयर्स बनती चली जाएंगी इसके पीछे। और जितनी साइज बड़ी होगी उतनी लेयर कम बनेंगे। तो होता यह है कि गैसियस आयन की अगर साइज की बात करते हैं, गैसियस आयन, तो वो होता है लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर के प्लस और फिर रुबिडियम प्लस। ये क्या होता है, साइज का ऑर्डर। बट अगर आप हाइड्रेटेड आयन की बात करते हैं, यानी कि जब इन आयन्स को आप क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, लेयर बना लेते हैं अपने चारों तरफ, उसी को हाइड्रेटेड आयन बोला जाता है। तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है वो बताया मैंने अभी, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि H2O के ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लेयर फॉर्म होंगी। और जितनी ज़्यादा लेयर फॉर्म होंगी उतनी ज़्यादा साइज जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी, और जितनी बड़ी साइज थी वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि उस पर उतनी कम लेयर फॉर्म होने वाली है वाटर की। उसका मतलब साइज की अगर बात करें तो लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर के प्लस और फिर आ जाएगा क्या आपका, रुबिडियम प्लस। तो ये जो साइज का ऑर्डर है वो किसका, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस का ऑर्डर है। तो साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा मूवमेंट में उतनी ही आसानी नहीं होगी उसे, मूवमेंट उतनी कम होगी और मोबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी का पूछा था कौन सा एल्कली मेटल है जो काफ़ी मतलब खराब बिहेव करने वाला है, तो वो कौन सा होगा आपका, लिथियम, क्योंकि उसके चारों तरफ, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस लिथियम प्लस का जो हाइड्रेटेड आयन है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा हो गई है, तो मूवमेंट करना उसके लिए थोड़ा क्या हो गया, भारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज, एक्चुअली ये आपको खुद को याद होना चाहिए, सिलेक्ट लाइम वाइट होता है। तो वाइट कैसा कैसा हो गया, वाइट मिल्क जैसा हो गया ना, तो इसको जाना भी इसी नाम से जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। याद रखने वाला पॉइंट है वैसे ये, कि सस्पेंशन जब होता है सिलेक्ट लाइम का वाटर के अंदर, तो सिलेक्ट लाइम क्या करता है, वाटर के अंदर आपका मिल्क जैसा जो वाइट कलर होता है वो देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, तो ये सही है। इट फॉर्म्स Be2C, ये भी सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कीन के फॉर्मेशन का, ठीक है, उसके अंदर आता है ये। इट सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसके सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज हो ऐसा नहीं होता है, इसको सॉल्ट आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसका टोपी वैसे भी खाली रहता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगला है ना, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, तो हाइड्राइड तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ही होते हैं। जैसे आप बेरिलियम हाइड्राइड बनाओगे तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑब्वियस ही बात है वो कैसे रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट। लेकिन इनके पास एक खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, इस तरीके से पॉलीमेरिक फॉर्म करते जाते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये करते क्यों है ऐसा, ताकि ये अपने आप को क्या करते हैं, ये सेंट्रल एटम है ना, तो ये हाइड्रोजन कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा ये शो कर सके कि हाँ भाई तुम्हारे जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन वो कम्प्लीट हो चुके हैं। हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट तो अभी भी नहीं होते हैं, आपने ये बनाना बॉन्डिंग वगैरह देखी होगी, तो बनाना बॉन्डिंग के अंदर भी क्या होता है, बनाना बॉन्डिंग बन तो जाती है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन उसके भी कम्प्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके जो हाइड्राइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और साथ में पॉलीमेरिक फॉर्म भी रखते हैं, वो कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो सके, बट हो नहीं पाता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, Ca+2 आयन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। लोग कैल्शियम की गोलियां इसलिए देते हैं कि आपके जो बॉडी में बॉडी है वो मेंटेन रहे, बॉडी मेंटेन रहे मतलब ब्लड वगैरह मेंटेन रहे, हार्ट बीट वगैरह मेंटेन रहे, तो पहला ऑप्शन पहला ही क्या हो गया स्टेटमेंट्स का गलत हो गया, नहीं कि आंसर भी हमारा यही है,
बाकी सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्फॉर्मेशंस अगर आपको जितनी ज़्यादा याद होंगी, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको तो बेसिक याद होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 5। द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2। जब CaC2 N2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो CaCN2 बनाता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पर दिया नहीं है, बट हाँ जैसे ये है ना, मुझे लगता है मे बी शायद गलती से लिख दिया हुई है कि केवल नाइट्रोजन के बाद 2 होगा, तो आंसर इसका C होता है, ये बनाता है वैसे ये नाइट्रोलिम जो मैंने बना रखा है। 6th क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली। तो जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो क्या करेंगे, उतना ही इजिली CO2 गैस को बाहर निकाल देंगे, और ऊपर से नीचे जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो MgCO3 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के थर्मल स्टेबिलिटी है वो सेकंड ग्रुप से यानी कि एल्केन अर्थ मेटल से ज़्यादा ही होती है, तो ए और डी तो वैसे कैंसिल हो गए, बी और सी बचा, तो बी और सी में भी मैंने बता दिया कि ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है ना। अब आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो आपके Mg+2 और Ca+2 की बात करूँ तो शायद Ca+2 की ज़्यादा होती है, अगर Cl+2 की साइज ज़्यादा है तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा होगी, तो इतनी आसानी से क्या नहीं हो पाएगा ब्रेक, यानी कि MgCO3 क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgCO3 की बात चल रही है, तो MgCO3 ब्रेक होने पर क्या दे रहा है आपको, MgO दे रहा है और CO2 दे रहा है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, तो हम वेट वेट एनालिसिस कर लेते हैं। MgCO3 के अगर आप एटॉमिक वेट की बात करोगे तो वो होता है, मतलब मॉलिकुलर वेट की बात करोगे तो वो होता है 84 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका कितना होता है MgO का, वो होता है 40 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि 84 ग्राम कितना दे रहा है आपको, 40 ग्राम MgO दे रहा है। तो पूछा कितने के लिए, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कितना देगा, तो 40/80×20, तो कितना देना चाहिए इसको, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आता है 9.52 ग्राम ऑफ MgO, यानी कि 20 ग्राम को इतना देना चाहिए था लेकिन दे कितना रहा है, 8 ग्राम। इसका मतलब पूरा MgCO3 कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये MgCO3 पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो प्योर होता तो 9.52 देता, ये टोटल उसका अमाउंट था। तो हम ये बोलेंगे कि परसेंट प्योरिटी निकालेंगे कैसे, कि आया कितना है, कितना ग्राम दे रहा है, 8 ग्राम, लेकिन देना कितना चाहिए था, टोटल कितना देना चाहिए था, 9.52, तो उसका परसेंटेज निकाल लो, इतना दिया है टोटल में से, तो वही क्या हो जाएगा आपका, प्योर हो जाएगा 9.52 में जितना निकालोगे आप, तो सॉल्व करने पर आपको 84% मिलेगा यहाँ पर। तो इससे केवल इतना साबित होता है कि आपको ये अगर बोला है कि 8 ग्राम बाहर निकला है, जबकि निकलना 9.52 ग्राम चाहिए था, टोटल था वो, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, जितना है अपॉन टोटल इन 200, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 84% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस पंप। सो ये भी याद रखने वाला है, और आपको आई थिंक याद होना चाहिए कि पोटेशियम प्लस जो होता है वो एक और अलग से दूसरा इंपॉर्टेंट आयन होता है जो यूज किया जाता है उस पंप के अंदर। नेक्स्ट है, सॉलिबिलिटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सिक्वेंस। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा, सॉलिबिलिटी के ऑर्डर फिक्स नहीं होते हैं, और सॉलिबिलिटी को ना ही आप किसी भी तरीके से डिफाइन करके बता सकते हो। अगर आपको पहले से ऑर्डर पता होगा तो ही आप क्या करते हो कि आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई साइज बढ़ गई, साइज घट गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी घट गई, वगैरह वगैरह रूल लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं कि उनको पता होता है सॉलिबिलिटी का रीज़न क्या है, मतलब सॉलिबिलिटी किसकी बढ़ रही है किसकी घट रही है, तो वो रीजन बना देते हैं ताकि बच्चा सेटिस्फाई हो सके। बट मेरा ये कहना है, सर्टिफिकेशन के लिए आपको रीजन जानने की जरूरत क्या है, आप क्या करें केवल और केवल उस ऑर्डर को याद कर लें, क्योंकि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर कभी फिक्स नहीं होता है, कभी किस सल्फेट के लिए बढ़ रहा है तो हो सकता है हाइड्रोक्साइड के लिए घटे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि चुपचाप आप क्या कर लें, इसको याद रख लें, सल्फेट का ये होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होता है उनका ये होता है। अगर आप चाहें तो वीडियो बना सकता हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है, अलग से रख रखा है मैंने लिख कर ये सब कुछ, कि उसके अंदर आपको बढ़ने बढ़ने के ऑर्डर एक साथ मिल जाएंगे और घटने घटने के ऑर्डर एक साथ मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना होगा कि आपको नीड भी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉलिबिलिटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेज इन दी सिक्वेंस। तो इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे हम, तो 9th का आंसर डायरेक्ट सी है। ठीक है,
ऊपर से नीचे जाने पर जो आपके सल्फेट्स हैं उनकी जो वाटर की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। अब अगर किसी से पूछोगे ना आप टीचर से, तो वो कैसे बताएगा, वो बताएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर सही है ना, कि बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी घट रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा साइज बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती जाएगी। तो आप यहाँ पर बोल देंगे आंसर, लेकिन हाइड्रोक्साइड के लिए देखना ये उल्टा होता है ऑर्डर, तो उसके लिए फिर क्या बोलोगे। तो बेटर ये है कि याद रख लो इसको, ठीक है। 10th, इन कार्सिनोजेनस सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन कार्सिनोजेनस सेल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्रायन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एमलगम इज फॉर्म्ड एट मर्क्यूरी कैथोड। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब ये याद रखने वाला है, ठीक है। जब आप कार्सिनोजेनस सेल की वो पूरा का पूरा रिएक्शंस वगैरह देखते हो, तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि सोडियम एमलगम फॉर्म होता है कहाँ पर, कैथोड साइड पर, क्योंकि उसके अंदर कार्सिनोजेनस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी का भी लिया जाता है। तो मर्क्यूरी के ऊपर सोडियम जाकर चिपकेगा तो ऑब्वियस ही बात है सोडियम एमलगम ही फॉर्म होगा ना। विच वन ऑफ द एल्केली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड एम टू ऑन हीटिंग इन एयर। देखिए क्या होता है कि लिथियम टू सीजियम जब आप जाते हो ना, लिथियम टू सीजियम, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन से लेकर सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि जो लिथियम है केवल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ना तो इसका परऑक्साइड मिलता है ना सुपर ऑक्साइड। तो आपसे पूछा ही केवल इतना गया है कि विच वन ऑफ द एल्केली मेटल फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड, तो वो कौन है, केवल और केवल लिथियम। द ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड एल्केली मेटल्स ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज द ऑर्डर। तो 12th का जो आंसर है वैसे ये है बी, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि कितने इलेक्ट्रॉन आयन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कि वाटर जो आपके एल्केली मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ घुलती मतलब मिलती ही चली जा रही हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है गैसियस आयन में, तो जैसे आप वाटर के अंदर इसको डाल देते तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसके ऊपर क्या होना, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि H2O का एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर है ना, ड्यू टू इसकी साइज कम है। साइज कम है तो न्यूक्लियस का आने वाला इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी उसी के बेसिस पर ये आंसर है कि जो हाइड्रेटेड रेडियस की क्या होती है ऑर्डर होता है, वही आयन एक्सचेंज के अंदर इनका ऑर्डर होता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके आयनिक कैरेक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे पता लगाएंगे, तो फजान रूल में बोला गया था कि अगर कैटायन की साइज सेम है, क्योंकि कैटायन हमारे Ca+2 है, सेम है, तो एनायन की साइज बढ़ने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो F- की साइज सबसे छोटी, फिर Cl-, फिर Bi-, फिर I-। तो I- की साइज सबसे बड़ी है, I- की साइज अगर सबसे बड़ी है इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि आयनिक कैरेक्टर उतने ही कम। तो इसका मतलब F- जो है आपका, F- क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखने वाला। बट फिलहाल तो लोवेस्ट पूछा है तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसी में, इसका मतलब सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट भी इसी के होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो दैट आंसर इज CaOCl2, याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2 होता है, क्योंकि जिप्सम क्या होता है CaSO4.H2। तो यहाँ पर आप देखो सबसे खास बात आपके लिए ईजी कर दिया इन्होंने कि ए के चारों ऑप्शन जितने भी दिए वो अलग अलग दिए हैं। तो आप अगर कंफर्म हो कि CaSO4H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो ए का 2 किसमें, केवल एक में, बी में, इसका मतलब बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी याद ही रखने थे, अगर आपको चेक करना है तो कर लो, ठीक है। बाकी मेरा तो यही कहना है, आया पहला ऑप्शन मिला खत्म, क्यों टाइम पास करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट द हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा साइज छोटी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो हम बात करें BeSO4, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 का बी, ठीक है। क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ती जाती है उसकी, तो इसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी से। प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेज विद देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ। तो अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट का क्या था उसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट की क्या बात हुई थी कि ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, यही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें कोई रीजन नहीं है आपको, मैंने फिर बोल रहा हूँ सॉल्युबिलिटी हमें पता है तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द हमारी जो इच्छा पड़ी, ठीक
ठीक है, बट उससे मिलेगा क्या आपको कंफ्यूजन कि सर पहले तो आपने बोला कि घट रही है, आप बोल रहे हो घट रही है जैसे हाइड्रोक्साइड आया, तो बेटर है ना कि इससे बड़े याद ही कर लो ऑर्डर। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ परोक्साइड, इनमें से कौन सा परोक्साइड है? परोक्साइड के लिए होना चाहिए चार्ज ओ माइनस वन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन। के ओ टू की बात करोगे तो पोटेशियम के ऊपर प्लस वन है, ये टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये तो सुपर ऑक्साइड है। बी ओ टू की बात करूंगा तो बी ओ टू कितना है प्लस टू, टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस वन रख रहा है, इसका मतलब आई थिंक आंसर रेटिंग का क्या हो जाएगा बी। द कंपाउंड ए, इसको हटा देते हैं, बड़ा क्वेश्चन दिख गया लग रहा है ये, एक सेकेंड। द क्वेश्चन दिया गया है कि द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस एंड अ रेजिड्यू दैट इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन बी, एक्सेस ऑफ सी ओ टू इज बवर्ड थ्रू एक्सियस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी, सी इज फाउंड विच इज रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सी ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स ब्लैक ए, द कंपाउंड इज। अगर आपका सी हीटिंग पर, जेंटल हीटिंग पर ए को वापस लौटा कर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जरूर बायकार्बोनेट रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर की जो हम बात कर रहे हैं, जो आइडिया हमें इस चैप्टर का लगता है कि बायकार्बोनेट हीटिंग करने पर वापस से क्या देते हैं आपके, बायकार्बोनेट हीटिंग करने पर क्या दे देंगे आपको वापस से, आपको कार्बोनेट दे देंगे। तो मैं अगर ये बोलूँ, क्योंकि नीचे ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, कैल्शियम वाले लिखे हुए हैं ना, दो ऑप्शन तो कैल्शियम वाले हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कैल्शियम वाले ले लेता हूँ। जैसे सी ओ एच सी ओ थ्री टू है, ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सी ए सी ओ थ्री, तो ये अगर ए है और ये अगर सी है, तो अगर मैं सी ए सी ओ थ्री का क्या करता हूँ, जैसे उन्होंने बोला ना कि कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस, तो हीटिंग पर ये क्या देगा आपको सी ओ टू गैस जिसका कोई कलर नहीं होता है, फिर गैस एंड अ रेजिड्यू वेट रेजिड्यू दैट इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन बी, जब इसको वाटर के अंदर आप डिजोल्व करोगे जो रेजिड्यू है, तो वो क्या देगा आपको सी ओ एच का होल ट्वाइस, और जब उसके ऊपर से आप सी ओ टू गैस को पास करोगे तो वो क्या देता है सी एस सी थ्री टू, इसका मतलब ये ए है, तो आपसे यही पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी एस सी ओ थ्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ एल्केली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब तो बताया कि अगर आपकी जैसे इस बार क्या है एम कैटाइन की साइज सेम हो गई है मान लो, ठीक है, कैटाइन सेम हो गया ना, कैटाइन की साइज सेम हो गई, तो अब ऊपर से नीचे जाने पर आपके अगर रेडियस बढ़ रही है किसकी एनायंस की, अगर नेगेटिव चार्ज की रेडियस बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले मैं ऑर्डर बता देता हूँ एफ सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये ऑर्डर है साइज का, ये ऑर्डर अगर साइज का है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर रहेगा एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, तो आई माइनस वाला सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्लियर, क्योंकि 20 का आंसर सी, आपको समझ में आएगा ना कि एनायन की साइज सबसे बड़ी है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कैटायन तो सेम है, तो फिर एनायन से आंसर देना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बेसिक, तो अगर कोई ऑक्साइड बेसिक के नेचर के अंदर तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो सी ओ बेसिक है तो रिएक्शन नहीं करेगा, एस आई ओ टू एसिडिक है, बी टू ओ थ्री एम्फोटेरिक टाइप का, और बी ओ भी एम्फोटेरिक है, इसका मतलब सी ओ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि बेस बेस से रिएक्शन नहीं करता है ना। नेक्स्ट है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, विच वन ऑफ द सॉल्यूशन विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच के लिए ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर के लिए देखो जब आप इनको रिएक्शन करवाते हो, मान लो एम सी एल टू की रिएक्शन आप वाटर के अंदर करा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा एम ओ एच का होल ट्वाइस मिलने वाला है, क्या मिलेगा आपको एम ओ एच का होल ट्वाइस, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पड़ जाता है आपका कि जो एम ओ एच का होल ट्वाइस है वो किसका अच्छा है, तो हमें पता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी डिक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एन्थैल्पी अगर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से बाहर निकले तो आप उसके बेसिक कैरेक्टर को शो कर सकते हो, तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी अगर ऑर्डर में बताऊं तो ये होगा ये ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एन्थैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर का कैसा ऑर्डर है, ये बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि बी ए सी एल टू यहाँ पर सबसे ज्यादा पीएच रखता है। नेक्स्ट, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन इज, तो ये आपको पता ही है कि लिथियम वाला सबसे अच्छा होता है, बट यहाँ पर लिथियम को गायब कर रखा है, तो बाकी का देख लो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी रेडियस बढ़ रही है, वो है आयनिक गैसियस के फॉर्म में रेडियस बढ़ रही है, लेकिन अगर हाइड्रेटेड के बाद में बात करेंगे तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, तो अगर हाइड्रेटेड आयनिक मोबिलिटी तो आपको एक्वा सॉल्यूशन में चेक करनी है ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होगा आपके हाइड्रेट, जब आप इनको वाटर के अंदर डाल दोगे तो हाइड्रेटेड आयन बनाएंगे, तो हाइड्रेटेड आयन के लिए तो रेडियस डिक्रीज ही होगी, तो जितनी ज़्यादा रेडियस इंक्रीज होगी उतना इनका मोबिलिटी क्या होगी डिक्रीज, इसका मतलब जो सीजियम वाला है वो सबसे आगे आना चाहिए, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी।
24 क्वेश्चन द एल्केली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बाय डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एलिवेटेड टेंपरेचर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है आपकी, तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जो होगा आपका ऑर्डर हो जाएगा बी वाला, साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना ज़्यादा क्या होंगे ये आयनिक फॉर्म ज़्यादा जनरेट करेंगे, और जितना ज़्यादा आयनिक फॉर्म जनरेट करेंगे ये मतलब एक दूसरे के पास बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, सेम साइज अच्छा बॉन्ड। तो अदरवाइज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो साइज बढ़ती चली जाएगी, तो हाइड्राइड तो छोटा रह गया और फिर आपके कैटायन की साइज बढ़ती चली गई तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पाएगा ना। तो लिथियम के साथ जो हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है वो क्या करेगा, अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब उसको तोड़ना फिर आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, LiH। 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि थर्मल स्टेबिलिटी जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होती हैं, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, तो K2CO3 तो इन सबसे अच्छा ही है, तो ये इन दोनों में से आंसर ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि सेकेंड ग्रुप की जो मेटल सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं उनके ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का ए। 26 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। तो हायर देन द लैटिस एनर्जी Ra4 क्या होता है भगवान जाने, क्योंकि Ra का अच्छा हाँ उसमें होता है ना Ra आपका बेटा मामी का हॉस्पिटल बाप राजी, तो जो आपका बेरियम होता है उसके नीचे आता है Ra, तो सही है वो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, अगर आप साइज बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती चली जाती है, या आप लोगों को पता होगा, तो इसका मतलब इसकी साइज सबसे कम होगी वो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखेगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन इस वाले पार्ट के अंदर यहीं रुक रहे हैं, इसके बाद कुछ और 24-25 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएंगे, इतना आप रिवाइज कीजिए और याद कर लीजिए इनको, ठीक है, ताकि आपको आगे के लिए क्या रहे आसानी रहे। चलिए,